ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष धारणाएं पक्की कराई, जिसके आधार पर हम पांचों ही स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। एक सेकेंड में पांचों ही स्वरूपों को अपने सामने इमर्ज करें। मैं अनादि आत्मा ब्राह्मण देह में स्वयं को देख रही हूं। बाबा ने आज बार बार हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराया, स्वयं को आत्मा समझने का। बाबा ने कहा, बच्चे जितना हो सके उतना स्वयं को आत्मा अभिमानी बनाने की प्रैक्टिस करो, स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो, तो परफेक्ट बन जाएंगे। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, बाप के प्यार का अनुभव होगा, बाप को भी ऐसी योगी तो आत्माएं प्यारी लगती है। इसलिए बाबा ने आज कहा, बच्चे कैसे भी करके याद की यात्रा को बढ़ाओ, आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो, तब ही माला का दाना बन सकेंगे। तो अपनी अनादि स्थिति में स्वयं को देखें। मैं आत्मा ज्योति, बाप से कंबाइंड, स्वयं को देखें। ये याद की यात्रा ही ऊंच पद दिलाएगी, खुशी में रहेंगे। बाबा ने कहा, जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं, ये याद रहे। अब अपने ब्राह्मण स्वरूप को देखें। आज मुझ ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने स्वीट बनने के लिए कहा, बच्चे देह अभिमान को छोड़ो, ज्ञान का रतन चुगने वाले हंस बनना है। इस पतित दुनिया से बुद्धि योग हटाकर भूतों को भगाना है। मीठा बनना है, मास्टर प्यार का सागर बनना है। इसलिए आज बाबा ने स्वमान दिया, स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट समझो। और एक मास्टर को याद करके एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। यही शक्ति
शक्तिशाली नेचर नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास करेगी। अब अपने फरिश्ता स्वरूप को देखें, संपूर्ण बाप की याद में मगन स्थिति, संपूर्ण आत्म अभिमानी फरिश्ता, सर्व आकर्षणों से मुक्त एक बाप की आकर्षण में मगन, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। अनुभव करें, बाप की याद में मगन लाइट का फरिश्ता, एक बाप के संग में रहने वाला, इसी फरिश्ता स्थिति में बाप के साथ रहकर कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। बाबा ने कहा, रात दिन कोशिश करनी है बाप की याद में रहने की। तो अपना पवित्र फरिश्ता रूप सदा सामने याद रहे। अभी अभी फरिश्ता सो देवता, अपने देव स्वरूप को सामने लाए, मैं देवात्मा सतो प्रधान दुनिया की मालिक, इस नशे में रहना है। बाबा ने कहा, बच्चे विश्व का मालिक बन रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बच्चों को एम ऑब्जेक्ट सदा सामने याद रखना है। अभी अभी ऊंच बने की बने, सत्युग के सूर्यवंशी पहले नंबर में आना है। लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कितने सुंदर है। अपने देवता स्वरूप की स्मृति में मगन हो जाए। नई दुनिया की याद, सुखधाम की याद बार बार आए। आज बाबा ने कहा, बच्चे विचार तो करो, हम क्या बनते हैं? स्वर्ग का मालिक, हीरे जैसा जन्म मिलता है, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। तो देवी संस्कार अभी ही धारण करने हैं। अब अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करें और अपने भक्तों को आज वरदान दे, सदा खुशी में रहने का। सर्व आत्माएं
सच्ची खुशी का अनुभव करें। अपनी वर्तमान खुशनुमा स्थिति के द्वारा खुशी के वाइब्रेशंस फैलाएं। बाबा ने कहा, बच्चे अब समय आ गया है, सब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तो अपने पांचों ही स्वरों की स्मृति से आज बाबा की शिक्षाओं को पक्का करें। ओम शांति, ओम शांति।